181% वृद्धि हुई और कीमत गांजा पकड़ लेना भांग पकड़ लेना एक बात है, जो महंगे और शरीर को ज्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टि से नुकसान करने वाले जो नारकोटिक्स के पदार्थ है वो कीमत से आइडेंटिफाई। मान्यवर 2006 से 2013 में 768 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा, 768 करोड़, जिससे यूपीए सरकार संतुष्ट थी, उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा था। और 14 से 22 तक एकदम वो ही कालखंड 768 करोड़ और 14 से 22 में 18,000 करोड़ रुपए की ड्रग को नरेंद्र मोदी सरकार, और ये हम पर सवाल उठा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भरोसा नहीं है मगर देश की जनता को विश्वास है। कुल मामले 1,257 दर्ज किए थे, अब 3,700। अब इन्होंने कल यहां ज्ञान बांटा कि पहले 1,257 थे, अब देखिए बढ़ गए 3,700 हो गए। भाई नारकोटिक्स के खिलाफ केस अच्छे हैं या बुरे माने जाने, हम पकड़ते थे पकड़ते हैं, आप पकड़ते ही नहीं थे, चलने देते थे। हमने पकड़ना शुरू किया इसलिए 1,257 से बढ़कर 3,700 केस हो गए, और गिरफ्तारियां आपने 1,363 की थी, हमने 5,400 गिरफ्तारियां करी। मान्यवर टोल फ्री नंबर भी करा। मान्य सदस्यों, सभा की सहमति हो तो गृह मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए। मान्यवर मान्यवर 3 करोड़ युवा और 2 करोड़ महिलाओं को नशा मुक्त अभियान में अलग अलग विभागों के, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब ने इकट्ठा होकर साथ में जुड़ा है, और लगभग लगभग 9.5 करोड़ लोग तक नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ और टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने की पहुंच बढ़ी है। मान्यवर ये हमारे प्रयासों को दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले आपको विश्वास हो, देश की जनता को विश्वास हो। मान्यवर इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते हैं, एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट, और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमूल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया, मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा। मान्यवर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृहमंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। मान्यवर मान्यवर मेरा एक निवेदन है, मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो बीच में ना बोले, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको, ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने, माननीय गृह मंत्री जी। राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी।
चले बेटे आप क्यों खड़े हो बेटे? हाँ मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़ों को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था, ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग, डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया, वहां का पंचायत चुनाव नहीं करा है। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृहमंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4,483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। टोल पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं, 2022 में 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं। और चलिए कुछ खबरें देख